देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतु बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर लालकुआं से है। लालकुआं पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में गड़बड़ी के मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आ सके। यहां हल्दीचौर स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आयोजित प्रेस वार्ता में त्रिवेंद्र सरकार को घोटालेबाज सरकार करार देते हुए कहा कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में 400 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिसमें राज्य सरकार की आंतरिक जांच में बात सामने आ रही है कि खरीद फरोख्त में अनियमितता या गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ये गरीबों का पैसा है, श्रमिकों के मन में आशंका है कि उनके पैसे का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में बोर्ड में पंजीकरण का काम शुरू हुआ, उनके समय 2 लाख लोग पंजीकृत हुए थे, जिसमें श्रमिकों को स्वस्थ, बच्चों की पढ़ाई, शौचालय निर्माण आदि के लिए राशि मिलती है। उनकी सरकार बोर्ड में 250 करोड़ छोड़ कर गई थी। उन्होंने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीधे सीधे घोटालेबाज बताया। उन्होंने बिजली पानी प्रदेश की जनता को दिल्ली की तर्ज पर निशुल्क देने वाले बयान को अपना व्यक्तिगत बताया। इसमें उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई मेगा प्लांट बिजली के साथ साथ वाटर प्लांट भी लगाए गए, जिसके तहत प्रदेशवासियों को निशुल्क बिजली पानी देने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि वे बागियों की वापसी के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, तथा पहले बागी नेताओं को सार्वजनिक रूप से प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, तब कहीं वापसी की सोचे। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के समय बूमबोर्डिंग की पॉलिसी पर काम कर जनता को गुमराह करने का काम करती है, पर जनता सब समझ चुकी है और इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं लालकुआ से जफर अंसारी की रिपोर्ट। कर्मकारों के मामले में जो घोटाला हुआ है कर्मकार बोर्ड के, उसमें सबसे ज्यादा दुखी तो दुर्गापाल जी को होना चाहिए था। इनके मंत्रित्व काल में श्रम विभाग में हमने इस राज्य में एक पंजीकरण था जी, एक से हमने 2 लाख के करीब पंजीकरण पहुंचाए, जहां जहां श्रमिक थे सबको पंजीकृत किया और रुपया इकट्ठा नहीं हो रहा था उसको इकट्ठा करके 250-300 करोड़ रुपया तक पहुंचा और रास्ता बनाया और सब 12-13 कैंप लगा करके पूरे उत्तराखंड में कैंप लगाए थे। हाँ, 12-13 की तो मुझे याद है, 12 और उससे भी ज़्यादा कैंप लगे होंगे। दुर्गापाल जी खुद भी गए थे कई जगह कैंपों में, यहाँ लगा था, हल्द्वानी लगा था, जसपुर लगा था, मुझे कुछ तो यहाँ जहाँ गए थे ये उनके कुछ की तो मुझे याद है। हमारे मंत्रीगण जरा भूल जाते हैं तो मुझे याद करना पड़ता है, तो हम तो 12-13 की तो मुझे याद है। तो हमने कर्मकारों के लिए एक 32 या 33 सुविधाएं बनाई, जिनमें 5 लाख रुपए तक देते थे मृतक परिवार, और भी बहुत सारी मददें हम करते थे। अब विवाह के लिए पैसा, छात्रवृत्ति के लिए पैसा, लड़की के पढ़ने के लिए था, टॉयलेट बनाने के लिए था, बिजली के लिए था, हमने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी थी जो श्रमिकों के लिए अभी नहीं पूछ सकता ना, का प्रोविजन नहीं किया गया था और देश में हमारा उससे अच्छा नाम हुआ था। लेकिन आज तकलीफ की बात यह है कि उन कर्मकारों का, गरीबों का पैसा खा गई और हम तो कहेंगे त्रिवेंद्र सरकार खा गई, हम क्या जानते हैं मंत्री को, और नहीं तो खाने वाले को पकड़ के वो सामने लाए। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।